Kawan Institut Kon. तो ये मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, अभी हमारी क्लास पूरी हो चुकी है और आज हमारी आखिरी क्लास थी। तो बताओ, तुम्हारा नाम बताओ, कहाँ से है ये बताओ। मेरा नाम नीरज अरोड़ा है, मैं महाराष्ट्र से यवतमाल जिले से हूँ। मुझे नीरज ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हें जो क्लास में सीट मिली है वो कैसे मिली है? पहले तो मेरी एडमिशन हो नहीं रही थी, मैं डेढ़ महीने से ट्राई कर ही रहा था। सर ने बोल दिया था कि नेक्स्ट मंथ में ही होंगी। तो ये फेसबुक पे उनके पहले जो स्टूडेंट रहे थे अनूप अरोड़ा, उनसे मैंने कांटेक्ट किया फेसबुक के थ्रू। अनूप ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? मतलब क्योंकि लोग बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं वही दूसरे लाने चाहिए, तो वही तो इंस्टीट्यूट का आउटपुट निकलता। तो मैंने भी वही उसी के लिए इंक्वायरी के लिए मैंने पहले उससे कांटेक्ट किया कि भाई सर कैसा पढ़ाते हैं, तुम्हारा उसमें परमिशन तो नहीं है कि तुम मेरे को उसकी तरफ भेज रहे हो, सही बात, दूसरी जगह जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, आप जाओ, बोले अच्छा पढ़ाते सर, एक बार जाओ, बोले दूसरी जगह मत जाओ, भले पर वहाँ एक बार ट्राई करो। फिर और मेरे जो बेसिक कंसेप्ट थे, मतलब मेरे को काम तो आता था हार्डवेयर का, बट ट्रैकिंग ये ट्रेसिंग वगैरह कुछ भी नहीं समझता था, कंपोनेंट नॉलेज कुछ भी नहीं था, वो मेरे को आज आ गया पूरा अच्छी तरह से। अब जैसे ही मैं गांव जाऊंगा थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा कर ही दूंगा। और सॉफ्टवेयर का भी सर ने बहुत डीपली नॉलेज दिया है, बढ़िया। मतलब अच्छा लगा आपको? चलिए, ये आप मेरे से पैसा लेके तो नहीं बोल रहे हो? नहीं बोल रहे, पैसा दे के बोल रहे जबकि, हैं ठीक है। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं जो है यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। अच्छा। और मैं सर को जो है 3-4 महीने से फॉलो कर रहा था और मैं जुलाई बैच के लिए भी मैंने कॉल करा था जो है, तो कॉल मेरी जो है क्यूट ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने एक SMS करा, तो फिर मुझे रिप्लाई आया कि जो कि आपको अगस्त बैच का एडमिशन मिल सकता है। तो उसमें फिर मेरी सीट कन्फर्म हुई, तो फिर मिल गया। तुमने पूरा महीना यहाँ पे निकाला, पूरे दिन और रात में भी तुमने प्रैक्टिस की, दिन में भी प्रैक्टिस की। तो एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं यार ये 1 महीने में क्या सीखेंगे या ये वो क्या सीखेंगे, तो क्या दिमाग में रखे कि आज भी बहुत से लोग अपने यूट्यूब में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो क्या उनको बोलना चाहोगे? क्या दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने से अच्छा तो सर आपके पास आएगा, उसको पूरा उसका मतलब बेसिक भी क्लियर हो ही जाएगा, कंपोनेंट नॉलेज आ जाएगा, ट्रेसिंग वगैरह आ जाएंगी। दूसरे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता, मैंने 5 साल पहले भी पढ़ा था नागपुर में, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं समझा मुझे कुछ भी। वो भी तुम कितने महीने पढ़े थे? 3 महीने। 3 महीना तो अभी तो वही 2 घंटा क्लास होती थी। लोग बोलते हैं कि 3 महीने ही पढ़ो तो सीखोगे, एक कैपेसिटर को 3 दिन देखोगे तो सीखोगे, या 10 दिन देखो जो भी है। तो आपने यहाँ पे कैपेसिटर में कितना दिन दिया, कितने घंटे दिए, क्या दिया आपने? 2 घंटे जिसमें आपने क्या क्या नहीं सीखा कि कैसे लगे होते हैं, कहाँ टेस्टिंग कैसे लगा होता है, ये सारी चीज पहले लड़की नहीं, और कहाँ कहाँ लगा होता है, लीकेज कैसा होता है, ये सब कहाँ पे देखिए सिर्फ 2 घंटा में। हाँ, तो ये जो एक्सपीरियंस आपका रहा, मतलब सेटिस्फाई है जैसे आपने सोचा था, सीख के गए हो या सीखने गए हो? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। पैसे तो नहीं लिए? नहीं, बता तो लिए है तो। नहीं सर, आपने पैसे लिए नहीं, जबकि हमने आपको पेड करा है, पेड किया हुआ है। तो मतलब चलो ठीक है, ये जान के बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये रिव्यू है मेरे इन स्टूडेंट का, ये मुझे डालने जरूरत नहीं है मुझे डालने की, क्योंकि जब आप देखते हो हमारी क्लास लाइव आती है, जब आप देखते हो कि इतने लोगों के साथ हम खड़े होकर यहाँ पर ये सारी चीजें बोलते हैं, कितने बार तो इन्हीं ने यहाँ पर इंडिया को एशिया टेलीकॉम को नंबर वन बोला है, कितनी बार तो नीरज भी यहाँ पे खड़े होके, क्या आप समझते हैं कि नंबर वन है कि नहीं है? नंबर वन लोग बोलते हैं कि क्या नंबर वन है, क्यों नंबर वन है, कैसे नंबर वन है, तो बोलते हैं कंपटीशन करने से नंबर वन होता है, कैसे? तुम बताओ मैंने क्या समझा है नंबर वन में, अपनी थ्योरी क्या है, मेरी थ्योरी क्या है नंबर वन की? आपको बच्चों को सिखाने का तरीका भी क्लियरली मतलब बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है, वो एक बात। और एक चीज और पूछूंगा कि तुम्हारे साथ में और भी बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, उनके और एक्सपीरियंस कैसे? एक एक जन की हम बात करेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे और ये भी नहीं बताएंगे कहाँ से आया था, कि ऑनलाइन सीख कर आया था वो, है ना, मद्रास वाला, तो दो दो वो भी हार्डवेयर भी ऑनलाइन सीख कर आया था और सॉफ्टवेयर। और वो बताओ उसका जब वो पहला दिन आया था, जब तुमने उसको मिला होगा रूम पे जाके 2 दिन, तो उसको कितना नॉलेज था और आज उसको कितना है, और वो क्या बोलता है कि मैंने कितना सीखा हुआ है? पहले उनको कंपोनेंट पता थे, पर टेस्टिंग वगैरह नहीं पता थी हालांकि, और वो उनको डायग्राम सर्किट खींचना सॉफ्टवेयर के थ्रू आता था, अब वो खुद कर लेते हैं ये एक बार। और हमको उन्होंने भी बताया, मतलब पुराने वाले इंस्टीट्यूट ने उसको पूरा नोकिया में सिखाया था, उनको स्ट्रक्चर ही दिए गए थे बस कि नोकिया का जो होगा वही इसका होगा, है ना, नाम नहीं लेंगे, पर इंडिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से वो पढ़कर आया था ऑनलाइन। तो तुम बताओ ऑनलाइन जब तुमने उसको देखा, ऑनलाइन
क्या पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मतलब देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम है ना लोगों को सजेस्ट करो, मैं नहीं बोलता कि तुम ये बोलो कि मेरे आओ सर के आओ, मैं ये बोलता हूँ तुम अपने दिल से बताओ कि आप कहीं भी जाओ पास में जाओ पर बैठ के सीखो, उसका राज क्या है, क्या कारण है कि ऑनलाइन क्यों नहीं सीखना चाहिए आपको ऑनलाइन? वो सर सामने वाले सर आप पे फोकस नहीं कर सकते ना, दस दस बच्चों को भी आप पढ़ा रहे होंगे, आपके जो मन में डाउट्स है वो क्लियर करा देंगे सर जो भी रहेंगे। हो सकता है आपके मन में कोई डाउट ना हो, तीसरे वाले मन में डाउट हो तो वो आ जाएगा, दूसरा बच्चा भी पूछ ले तो आपको उसके थ्रू दूसरा नॉलेज। और ऑनलाइन में क्या होगा, सिर्फ वही जो प्रैक्टिकल देखने तो मिलेगा ही नहीं, कभी भी जो चीज वो बता रहा है वही चीज फाइनल है, और उसके बाद मैं पूछ रही के भी एक पता नहीं उनका कुछ होगा कि यार यहाँ पे कॉल करो ये करो वो करो, रेजिस्टेंस जो कम के का रहता है जो पैरेलल में भी लगा हो के कभी बीप नहीं करता वो एक बात वो तो मालूम ही नहीं पड़ती है सर ऐसे कभी होता ही नहीं, बहुत सारी चीज नहीं होती, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, और जो एक्सपीरियंस मिलता है सामने बैठकर क्या वो ऑनलाइन सीखा जा सकता है क्या? नहीं। ऑनलाइन यहाँ पे आप आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे थे जो ऑनलाइन सीख कर आए थे? हम कभी थे ना, बहुत सारे बच्चे थे ना, तो हम कभी ऐसा क्या मैं कभी रिवील करता हूँ वीडियो डालता हूँ कि ये बच्चे इस इंस्टीट्यूट से आए हैं देखो ये ऐसे आए, ये कभी करने के लिए चाहिए ये बताओ, उससे दूसरे बच्चों पर ये पढ़ता ना वो दूसरे नहीं मतलब निगेटिविटी फैलती है, और हमें हक नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट का हम नाम लें नाम खराब करें, हमें लगता है कि हम सब अच्छे। और मैंने क्या बोला आपको, ये थ्योरी मैंने क्या समझाई कि जब तक आप अपने आपको अच्छा नहीं समझोगे तो आप फिर दूसरा आपको कैसे अच्छा समझेगा? आप अपने आपको वर्ल्ड का नंबर वन बोलो, आप अपने आपको दुनिया का नंबर वन बोलो, आप पर उतना दिखाओ भी, आपके स्टूडेंट होते हैं आउटपुट, आप नहीं होते। सर के पास में आईसी की बॉलिंग देखी कि नहीं देखी? आईसी की बॉलिंग कैसे देखी, मतलब प्रैक्टिकली लाइफ कैसे देखा आपने? राजेश सर ने किया था हमारे सामने पूरा सीपीयू निकाल के चालू मोबाइल का सीपीयू लगाया, और राजेश सर ने दो बार वो भी और राजेश सर ने ये चीज आपको और सिर्फ दिन में सिखाई, मतलब हम लोग ने दिन में सिखाई रात में भी आपको ट्रेनिंग देते थे, यहाँ पर 12-12 बजे तक जो राजेश सर आकर जो कि हमारे लोग को क्लास लेते थे बताते थे। तो मेरे रिश्तेदार तो नहीं हो ना आप दोनों? नहीं हो मेरे रिश्तेदार तो नहीं हो ना? नहीं हो, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि साथ मेरे रिश्तेदारों में आप दोनों का ले रहा हूँ, पर ये खास एक डिमांड पे है दोस्तों, क्योंकि किस तरह से एक माहौल बना हुआ है यूट्यूब में लेकर, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक आउटपुट निकले, क्योंकि आज ये दिन आखिरी दिन है, मतलब आज तारीख क्या है 24, और कल आपकी ट्रेन कब है? मेरी वो बस है 12 बजे बस है, तुम्हारा रात की ट्रेन है यहाँ से जाने की, और कल हमारा फेयरवेल पार्टी है जिसमें हम लाइव आएंगे, तो ये सारी चीजें हैं, मतलब दिल से ये लोग कह रहे हैं दोस्तों, और मैं क्या कहूँ इसके बाद आप खुद समझदार हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।